जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद क्या बदलाव महसूस कर रही हैं जनता, उनके साथ बातचीत करेंगे और अपनी कीमती राय जो है वो भी आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आइए देखते हैं लोगों की क्या राय। कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, बाकी सारे का सारा है। वो जिसको गुलाम कश्मीर बोलते हैं वो भी लेके छोड़ेंगे। अब 370 हमारे तीन नहरे थे, दवा 370 हटाओ, राम मंदिर बनाओ और गुलाम कश्मीर जो हमारा है उनको हमने लेना है। वो मोदी जी 370 की गल की है, 370 का जरा J&K बदलाव होया वो तो भी लगता है। तो मैं लगता है कि सारे पता है कि सब तो वही जी डिवेलपमेंट हुई है साढ़े जम्मू कश्मीर के अंदर, कि मैं कहता कि घर घर वाइन शॉप शराब की दुकान खुल गई है। जेडे लोग नहीं पीते तो भी मैं लगता कि आने वाले 2-4 साल पूरे शराबी बनने। और गोरमेंट ने एक बड़ा बड़ा एजेंडा चलाया ये वाला, जी घर घर शराब खुले और लोग की नौकरी ना मंगन, दारू पीते रहन, अपने मस्त रहन, काम काज ना करन, तो गोरमेंट को नौकरी ना कोई मंगे। तो इस करके ये बड़ी बड़ी डिवेलपमेंट है BJP की, जी कि साढ़े J&K बड़ी बड़ी डिवेलपमेंट देती है। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी जो है वो कम हुई है कश्मीर में। देखो सर, पत्थरबाजी जी है ना, तुम हर बंदे के पिछले फोर्स ला ली है तो पत्थर मारन का अगले तुम मौका नहीं दे रहे। ठीक है, असं मानते हैं पत्थरबाजी बंद करा जी, तुम दबी है जो भी किया ठीक किया, पर असं ये चीज़ चाहते हैं कि अगर तुम पत्थरबाजी बंद की है तो साढ़े नौजवानों को नौकरी भी दो, नौकरी दी जाए। अज तुम देखो अगर साड़ी स्टेट को तोड़ के इन्होंने ड्यूटी बनाया, ड्यूटी बनाई है, तो अगर तुम 370 भी तोड़िया मैं दसो कि तुम नौकरी किस बच्चे दी। तुम कहते सो असी हर साल 2 लाख बच्चे नौकरी देंगे, पर मैंने लगता कि साड़ी स्टेट के अंदर और साढ़े ब्लॉक के अंदर और साढ़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर लखा के हिसाब बच्चे अब बेरोजगार फिरते पे ने। जो बच्चा पुलिस की भर्ती होने से उन्होंने उम्र अभी 35-35 साल हो गई है, 10 साल हो गए तुम्हें भर्ती कोई नहीं की, अज उन्होंने उम्र 35-35 ओवरएज हो गए हैं। जो पढ़ लिख के बच्चे अभी घर बैठ रहे डिप्रैशन आ गए साढ़े बच्चे, पर नौकरी किसी पास कोई नहीं है। यह बड़ी धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, ये एक बहुत बड़ा कलंक था हमारे जम्मू कश्मीर में। कोई विकास नहीं होता था, सिर्फ घोटाले ही घोटाले होते हैं थे। जब से 370 हटा है जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है, हुरियत कॉन्फ्रेंस की कमर टूट गई है, आतंकवाद की कमर टूट गई है और आज विकास भी बहुत ज़्यादा हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और मोदी जी को एक चांस और मिलना चाहिए और उसके बाद देखना आप जम्मू कश्मीर की तस्वीर। शुक्रिया, ये सब लोग जानते हैं कितना बदलाव हुआ है, मैं आपका धन्यवादी हूँ। आपने देखा वाजपेयी को कब कहा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार भी आएगी BJP की, भारत में भी आएगी और दफ़ा 370 भी हटेगा और राम मंदिर भी बनेगा। और श्रीनगर में आपने देखा लाल चौक में लोग जाते नहीं थे, वहाँ झंडा नहीं चढ़ाया जाता था, तिरंगा झंडा नहीं कोई चढ़ाया। आज वहाँ के वो कश्मीरी हमारे भाई हमारे रिश्तेदार सभी वो झंडे को लेकर जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद के अंदर, मोदी जो है विष्णु भगवान है हिंदुस्तान के लिए। और रात को आपने सुना पहले नंबर पर वो वोट में आया, उसको 78% वोट मिले हैं दुनिया में। तो मोदी कुछ है तो देने, दफा 300 तो जम्मू में देखिए ना कितने बदलाव, क्या मजा, सड़कों का देखिए, AIIMS देखिए, कोई देखे अस्पतालों का देखे, जाल बिछ गया है। मैं कहता हूँ मोदी भगवान करे ये 2-3 बार और आ जाए, 1950 तक मोदी रहना चाहिए इनकी, हमारी उम्र में जाए। ये दफा हटी है और इसे हमारा कोई विकास होगा, हमारा एरिया में तो कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कें भी बघी हैं, बघी डंगे लगाए जा रखे हैं, खुली तो हो नहीं रखी हैं। एक 4 लाइन बन रखी थी हमारे इलाके में, वो भी नहीं बनी है। बाकी सेम ही ज़्यादा है, स्कूल की बिल्डिंग देखो वो भी बघी पुरानी है। जो बाकी ठीक है, श्रीनगर में जो पत्थरबाजी थी वो सुनने में आता, हम तो गए नहीं लेकिन सुनने में आता, थोड़ी कम हुई है, बंद हुई है। बाकी मिलिटेंसी हमारे एरिया में पहले भी काम थी, लेकिन पुंछ रजौरी में पहले काम थी, अब तो वहाँ बढ़ गई है।
पहले नहीं वहाँ वारदातें होती थी, अब वहाँ हो रही है। श्रीनगर में काम तो वो पुंछरीजोरी में हो रही हैं, लेकिन इतना तो वो देखने में नहीं आता जितना खबरों में दिखाया जाता है भाई इतना विकास हुआ। हमें तो जहाँ दिखाई नहीं देता, बाकी पुरानी सड़कें हैं, पुराने स्कूल हैं, पुरानी बिल्डिंग है, सब कुछ बाकी है, नया देखने में कोई। धारा 370 हटने से पत्थरबाजी रुक गई है और लोगों का कारोबार सेंटर में देखो आप, लोगों ने तिरंगा उठाया है, बीजेपी को जिंदाबाद बोल रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, लोगों का कारोबार अच्छा चल रहा है। सेंटर में देखो कितने अभी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो हमारे जम्मू में देखो कितना IIT कॉलेज बने हैं, एम्स बने हैं, उसके बाद 370 टूटने के बाद पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, अपनी मर्जी से काम करते थे, अब बहुत बड़ा लाभ हुआ देखो, सबको फायदा मिल रहा है, बहुत फायदा, कुछ भी नहीं है, बल्कि जे है रोड वगैरह डेवलपमेंट वगैरह अच्छी हो रही है, बाकी नौकरी चौकरी एक मौका और दोगे तो हो जाएगा, अगर सिस्टम ठीक हो जाएगा, बाकी अब 10 साल के अंदर सारा कुछ इतना चेंज करना तो हर किसी के लिए काम का है।